मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में और आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं। बच्चों अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है ए से बी, ये बच्चों मान लेते हैं कि जीरो ऑर्डर है, तो अगर हम ये कहें कि एट टी बराबर जीरो, ठीक है, एट टी बराबर जीरो पर इसका कितना कंसंट्रेशन है ए एन, और बच्चों एट एनी टाइम टी इसका जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएगा ए माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, किसी समय किसी टाइम एनी टाइम टी पर इतना हो गया। बच्चों इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कंसंट उस समय को यहाँ लिखते हैं, ये हुआ स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें ए को डाल दिए, इसका मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ ए कहाँ पे, एट टी बराबर जीरो। कितना बच्चों हुआ, ये हो जाएगा ए एम। और हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ये बच्चों हो जाएगा ए माइनस क्या एक्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा अब बच्चों देखो, अगर मान लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लेते हैं बच्चों अगर ये जीरो ऑर्डर है तो हम क्या लिखते हैं जीरो ऑर्डर में, आर बराबर क्या लिखते हैं, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर जीरो। बच्चों यहाँ पे ऑर्डर को दिखाते हैं, मेरे पहले वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारे इस पर हैं, आप जरूर देख लीजिएगा ऑर्डर को समझने के लिए। बच्चों ये क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, के रेट इज कॉन्स्टेंट। बच्चों रेट इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो रेट रेट का क्या मतलब है, अगर ए के रिस्पेक्ट में हम रेट लिखना चाहें तो बच्चों क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और यहाँ बच्चों लिखेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर हो जाएगा के डी टी। देखो बहुत आसानी से मैं इसको बच्चों प्रूव कर रहा हूँ, आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता है बच्चों। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए मैंने कहा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बच्चों इसको इंटीग्रेट करते हैं कैसे, देखिए जरा बच्चों, आप ध्यान से देखो जरा, जब t बराबर जीरो है तो कितना कंसंट्रेशन है, a है, am है, तो ये बच्चों t बराबर जीरो है तो यहाँ पर a है, और जब बच्चों t हो गया तो कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो गया कंसंट्रेशन, सही है ना कहानी विशाल, सही है एकदम। वो तो कैसे देखो लिख रहे हैं, जब t बराबर जीरो है तो कितना कंसंट्रेशन a है, और जब t है तो कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो गया। अब बच्चों अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ बच्चों अगर इंटीग्रेशन डिजिट है, इसको ए से बी अगर इंटीग्रेट करना है हमको, तो इंटीग्रेशन डिजिट, डिजिट का इंटीग्रेशन कितना होता है, जेड होता है, और कहाँ से कहाँ, ए से बी होता है, डिजिट का इंटीग्रेशन कितना होता है, जेड होता है, कहाँ से कहाँ, ए से बी। बच्चों पहले क्या करते हैं इसको लिखते हैं बी, फिर आता है माइनस, फिर इसको लिखते हैं, यही है बच्चों डिफरेंट, इसको कहते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ भी देखो, यहाँ जहाँ जेड, इसको जेड मान लो तो डी जेड हो गया, बच्चों इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डी जेड, तो जेड जेड का मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कहाँ से कहाँ बच्चों, ए से ए माइनस एक्स, और ये आ जाएगा के, अगेन देखो डी जेड डी टी, तो ये हो जाएगा टी, ये क्या हो जाएगा विशाल, ये टी हो जाएगा, सॉरी के छूट गया है, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, के हो जाएगा इनटू टी माइनस जीरो, ये बच्चों क्या आ जाएगा, के टी, क्या आ जाएगा विशाल, के टी, ये आ गया के टी। अब यहाँ बच्चों पुट करो माइनस, पहले इसको पुट करेंगे माइनस ए माइनस एक्स, फिर माइनस ये पुट करेंगे ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों के टी, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स बराबर क्या आ जाएगा विशाल, के टी, और k क्या हो जाएगा, x बाई टी, जो कितना आसान हो गया रेट निकालना, x पता है t पता है, k निकाल देंगे, k का यहाँ पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, वेरी सिंपल। तो कहने बच्चों अभी समझो कि k बराबर x बाई टी है, x क्या है, देखो x का बच्चों मतलब क्या है, समझो x का क्या मतलब, x का बच्चों मतलब है जो पार्ट डिसअपियर हो रहा है a का, जो खत्म हो रहा है, जो कंज्यूम हो रहा है, जो रिएक्ट कर रहा है, वो पार्ट है ए का,
मतलब ए का कौन सा कंसंट्रेशन जो है वो कंज्यूम कर रहा है या डिसअपियर हो रहा है। बच्चों एक अगर हमको पता है, समय पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट हम इजिली मेजर कर सकते हैं। दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन से, ठीक है। आइए बच्चों एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक आपको एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। इसे मान लीजिए कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन ए जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन 0.2 m ऑफ अ रिएक्टेंट डिसअपियर्स इन 40 सेकेंड्स। कैलकुलेट के क्या मतलब रेट कांस्टेंट आपको निकालना है। बच्चों देखो ये एक्स हो गया ना, कितना रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, डिसअपियर्स सिंपल। और टी बच्चों दे रहा है, तो एक्स बराबर क्या होता है, के टी। के क्या होता है बच्चों, एक्स बाई टी, तो के क्या होता है, एक्स एक्सपोर्ट कर दीजिए आप 0.2, और समय बच्चों क्या है 40, यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, हो गया बच्चों निकल गया, वेरी इजी। तो यही आपको जानना है कि एक्स का मतलब क्या है, कौन सा पार्ट कंज्यूम कर रहा है, कितनी देर में कर रहा है, और ये दोनों पता है, टर्म को समझे, टर्म को क्या है, एक्स का मतलब एक्स क्या है, एक्स जो रिएक्टेंट का पार्ट डिसअपीयर हो रहा है मोल पर लीटर, टी समय है कितनी देर में हो रहा है, ये दोनों बच्चों पता है तो क्या निकल जाएगा, के निकल जाएगा, ठीक है। पॉज करके इसको आप नोट कर लें। फिर से बच्चों एक और एग्जाम्पल आप देखो, इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स डिक्रीजेस फ्रॉम 0.4 m टू 0.2 m इन 50 seconds। कहता है कि जीरो रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है कहां से कहां, 0.4 m से कहां से बच्चों 0.2 m 50 सेकंड के अंदर, तो कहता है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, दैट इज k को निकालिए। अच्छा अगेन जीरो रिएक्शन हो गया, फिर हम क्या करते हैं, अब एक्स को निकालना है, तो एक्स क्या होता है kt, एक्स आवर kt, k क्या होता है बच्चों एक्स बाई टी। अब इतना तुमने लिया है, इतना बच गया, कितना खत्म हुआ 0.4 माइनस 0.2, तो बच्चों x क्या हो जाएगा 0.4 माइनस 0.2, और समय कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। देख रहे हो रिएक्टेंट घटता है, डिक्रीजेस घटता है कहां से कहां, 0.4 से 0.2, डिक्रीजेस फ्रॉम 0.4 टू 0.2 m 50 सेकेंड के अंदर, तो हमको क्या निकालना है, निकल गया बच्चों ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, आंसर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, बताओ समझो। अब बच्चों बात समझ में आ गई, चलो अब बच्चों कुछ हम ग्राफ बनाते हैं इस पर। जैसे पहला आपका ग्राफ है R बराबर कांस्टेंट का, रेट एंड रेट बराबर के है, तो अगर रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाए तो ग्राफ बच्चों कैसा होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा बच्चों, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन R हो गया, ये आपका रेट हो गया, ये आपका कंसंट्रेशन हो गया, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ बच्चों जो कांस्टेंट है, इट्स पैरेलल लाइन की एक लाइन की, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बच्चों, कंसंट्रेशन कुछ भी हो रेट तो कांस्टेंट है,
रेट तो चेंज नहीं करेगा, आर बराबर कॉन्स्टेंट। हो गया पहला ग्राफ खत्म। रेट में और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ कैसा होगा? तो एक स्ट्रेट लाइन होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखो कोई भी हम वैल्यू ले कंसंट्रेशन का, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हर कंसंट्रेशन के वैल्यू के लिए कुछ भी कर दो आप, रेट क्या है बच्चों? कॉन्स्टेंट है। रेट इज नॉट गोइंग टू चेंज, रेट चेंज नहीं कर रहा है, इट्स अ जीरो ऑर्डर। ठीक है बच्चों, पॉज करके इसको आप नोट कर लें। बच्चों सेकंड ग्राफ है x बराबर kt। बच्चों अगर इसको y पर लें और t को x पर लें तो ऐसे लिख सकते हैं y बराबर mx, इसको ऐसे लिख देते हैं, पहला समझने के लिए y बराबर mx। बच्चों ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है तो बच्चों क्या हो जाएगा, y बराबर mx, इसको मैं y पे रखता हूँ और इसको रखता हूँ y एक्सिस पे, इसको रखता हूँ x एक्सिस पे, तो y बराबर क्या आएगा mx, तो y बराबर mx, y बराबर mx, y बराबर क्या आ जाएगा mx। इट्स अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। बच्चों तो पुट कर दो यहाँ पे, x को रखो y एक्सिस पे, t को रखो कहाँ पे, x एक्सिस पे, ये कैसा आ गया। बच्चों अगर दोनों को कंपेयर कर दें तो क्या हो जाएगा, m, m का मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप का मतलब बच्चों क्या होता है, टैन थीटा। ये किसके बराबर आ जाएगा, टी के बराबर आ जाएगा। बच्चों यही एंगल है, इस एंगल को अगर हम मेजर कर लें और यहाँ पुट कर लें तो हमको के का वैल्यू निकल सकता है, किसके लिए, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों एक और ग्राफ आ गया, एक्स का मतलब वो रिएक्टेंट का वो कंसंट्रेशन जो कंज्यूम हो रहा है, तो एक्स और टी के बीच ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले दिए जाते थे, अब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंगल दे देगा, कहीं पहले पूछेगा कि बताइए ये किस किस ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये ग्राफ सिर्फ पॉसिबल है फॉर द जीरो ऑर्डर। जब ये जान जाएंगे हम, ठीक है, तो कहेगा ठीक है इस एंगल को हम दे देते हैं, आप रेट कॉन्स्टेंट निकालो बच्चों, तो जैसे ही इस थीटा का वैल्यू पुट करोगे आपको ऑटोमेटिकली के मिल जाएगा। ओके चलिए पॉज करिए, नोट करिए इसको, उसके था ना, चलिए स्टार्ट। ओके बच्चों अब बता को बताओ, एक्स बराबर kt था, ठीक है वेरी गुड एकदम सही है। अब इसको ऐसे लिखवाओ, a माइनस एक्स, लिख सकते हैं बच्चों, यस सर लिख सकते हैं। a का मतलब क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, t समय के बाद या t समय पर कंसंट्रेशन इनटू हो जाएगा kt। क्या बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, t समय पर, देखो अभी कंसंट्रेशन जो t समय पर बच रहा था, t समय पर बच रहा था इसके, और ये बच्चों सिंपल कंसंट्रेशन नहीं बोल सकते हैं इसको, बराबर क्या हो जाएगा माइनस kt। अब इसको रखते हैं y एक्सिस पे, इसको रखते हैं x एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा y बराबर c प्लस mx। अगेन बच्चों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इसको रखे y एक्सिस पे, इसको रखे कहाँ पे, ये हो गया इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, जो लाइन कट करेगा y पे उसका डिस्टेंस ओरिजिन से, दैट इज c, m स्लोप हो गया, x t हो गया। तो कंपेयर बच्चों कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग वी गेट कंपेयरिंग बोथ, इन दोनों कंपेयर करते हैं तो कंपेयरिंग वी गेट बच्चों क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इंटरसेप्ट, ये बच्चों हो जाएगा ये, एंड जो स्लोप हो जाएगा एम बराबर टेन थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसे पूछे बच्चों, एक टू ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे, देखो स्लोप यहाँ नेगेटिव आ रहा है, अगर स्लोप नेगेटिव आया, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे ग्राफ खींचा आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ लिख दिया, यहाँ बच्चों लिखा कंसंट्रेशन, ये मिट्टी सब बच रहा है, एज अ टाइम चेंजेस ये घटता चला जाएगा, और ये बच्चों है समय टी, बच्चों ऐसा कुछ ग्राफ ऐसा जो स्ट्रेट लाइन है, तो क्या है स्ट्रेट लाइन है ये थी। देखो बच्चों ये बात ध्यान में दे दीजिए कि जब भी यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा ऐसे जाएगा, अगर स्लोप पॉजिटिव रहता तो ऐसे जाता, ये क्लियर एक लॉजिक है, थोड़ा आईक्यू अगर अच्छा है तो आप सोच सकते हैं। ये थीटा आप देख रहे हो बच्चों, ये नेगेटिव आने का मतलब है, ये थीटा नेगेटिव, टैन थीटा नेगेटिव कब होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है, मतलब 90 से 180 के बीच में बच्चों, देखो ये थीटा कितना है 90 से 180 के बीच में है, तो जब थीटा हम पुट करेंगे बच्चों तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा और के वैल्यू निकल जाएगा। तो जब भी बच्चों अगर यहाँ पर नेगेटिव स्लोप नेगेटिव आ रहा है, याद करिए आप ऐसे खींच लीजिए लाइन, और अगर ये पॉजिटिव होता तो ऐसे खींच लेते, ध्यान दीजिएगा जब भी ये नेगेटिव आएगा ऐसे जाएगा, अगर ये पॉजिटिव रहता तो ऐसे जाता, चूंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो बच्चों ऐसे जाएगा, हो गया। यही बच्चों यहाँ से देखो, ये जो डिस्टेंस ओरिजिन है ये है ओरिजिन,
और यहाँ से यहाँ यही है बच्चों इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस, ये है आपका क्या सी, देखो यहाँ सी है ना, और यही बच्चों आ जाता है ये जो वैल्यू है सी बराबर क्या आ जाता है विशाल इनिशियल कंडीशन। हो सकता है ये वैल्यू यहाँ से दे दे तो बच्चों सी भी निकाल सकते हैं, सी निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा इनिशियल कंसिडरेशन भी निकल जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है 100%, इसको आप पॉज करके आप नोट कर लीजिए, रुक जाइए एक मिनट, ये इसके टेंशन में आई बात, चलिए इसको नोट कर लीजिए, यहाँ बताना है बच्चों आपने पढ़ा था ना कि x बराबर kt होता है फॉर द जीरो ऑर्डर। बच्चों ये बात बताओ t हाफ का मतलब क्या होता है, t हाफ का मतलब होता है हाफ, बच्चों हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि कितने समय में कंसंट्रेशन अपने पहले वाले वैल्यू का आधा हो जाए। मान लो कंसंट्रेशन अगर ए एम है और हम देख रहे हैं कि 10 सेकेंड में ये ए बाई टू एम हो गया तो बच्चों यही क्या हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा, टी हाफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है आओ बच्चों देखते हैं, अब बताओ मेरे को जैसे आपका स्टार्टिंग में कितना था कंसंट्रेशन, देखो ये था ना आपको बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन आपका ए एम था और टी समय पर ये बच्चों कितना हो जाएगा ए माइनस एक्स एम हो गया। तो अगर इस टी को हम टी हाफ लें, अगर इस टी को हम टी हाफ लें, इफ इफ टी बराबर टी हाफ, अगर इस टी को टी हाफ लें बच्चों देन आप क्लियर देख लीजिए देन ए माइनस एक्स जो होगा वो ए बाई टू के बराबर हो जाएगा। क्यों? चूंकि टी हाफ क्या है वो समय, टी हाफ मतलब वो समय जिस समय में कंसंट्रेशन अपने प्रीवियस पहले वैल्यू का क्या हो जाए आधा हो जाए, बच्चों आधा हो गया। बच्चों ऐसे दिखाएं जरा ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए बाई टू, तो एक्स बच्चों क्या हो जाएगा ए माइनस ए बाई टू एम और ये बच्चों हो जाएगा ए बाई टू एम, ये हो गया, हो गया बच्चों। अब एक्स तो निकाल दिए, अब तुम यहाँ पुट कर दो एक्स का वैल्यू, मैं यहाँ दिखा दूँ, यहाँ दिखा दूँ जरा पेन दीजिए, तो यहाँ दिखा दो बच्चों, यहाँ दिखा दूँ, सब पहन दिया। देखो अब बच्चों आ जाओ तो x बराबर क्या है तुम्हारा k इंटू टी है, ठीक है x बराबर के टी, एक्स का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर तो ये हो जाएगा a बाई टू बराबर क्या हो जाएगा k इंटू क्या t का मतलब क्या हो जाएगा t हाफ। अब बच्चों आ गया t हाफ बराबर आ जाएगा a बाई टू के, देख लो बच्चों अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 के कांस्टेंट, टी हाफ क्या हो जाएगा टी हाफ हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। बच्चों याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो ऑर्डर एक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो कंसंट्रेशन के जो सॉरी जो टी हाफ होता है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जीरो ऑर्डर एक्शन के केस में जो टी हाफ होता है बच्चों वो क्या होता है रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पूछ देगा कि कौन सा ऑर्डर होगा, रिएक्शन का ऑर्डर बताइए जिसमें टी हाफ जो हो रहा है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों कौन सा होगा, ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों ग्राफ खींच लेते हैं जल्दी से, फटाफट जल्दी से ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग किसके बीच में, टी हाफ और एक बच्चे। बच्चों देखो ऐसे लिख दें क्या, ऐसे लिख दें, देखो तो जरा टी हाफ बराबर क्या है, टी हाफ बराबर है 1/2k इंटू ए, इसको रखते हैं वाई पे है ना, वाई बराबर क्या हो जाएगा अगेन एम एक्स, आप पढ़ चुके हो वाई क्या हो जाएगा बच्चों एम एक्स, वाई को कहाँ रखा टी एफ को कहाँ रखा, टी एफ को कहाँ रखा वाई एक्सिस पे और ए को कहाँ रखा एक्स पे रखा, तो एम क्या हो जाएगा 1/2k, तो आ जाएगा एम बराबर टेन थीटा बराबर 1/2k। अगेन बच्चों क्या हो जाएगा इट्स अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये आ जाएगा टी हाफ हो गया और ये क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा, ये कहाँ से पास करेगा विशाल, कहाँ से पास करेगा ओरिजिन से पास करेगा और ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। बच्चों एंगल दे देगा, देख रहे हो एम इज़ एम स्लोप पॉजिटिव है, मैंने बोला था ना ऐसे जाएगा वाई बराबर एम एक्स, यस सही है, ये एंगल को दे देगा, यहाँ पुट कर दोगे तो आप रेट कॉन्स्टेंट भी निकाल सकते हो बच्चों। तो टी और ए के बीच ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ ऐसा होगा। बच्चों मैंने सारी चीज़ बता दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, आई होप आपको क्लियर होगा। ओके बहुत बहुत धन्यवाद।